तो दोस्तों ये थी मधुबाला की मीठी मधुर यादें. You will no doubt agree with me that the presence of so many dignitaries today speaks volumes about the importance of this momentous function. We are honored that the commemorative stamp on Madhubala officially. जरूर देखना चाहेंगे कि ये स्टैंप किस तरह एंड अनवेल दिस ब्लू आई ऑफ द बुक. I'm sure you will all agree that this look of hers is absolutely representative of the personality that she was. Vivacious, beautiful, bubbly Madhubala. I'm sure this stamp is going to be a collector's delight. Thank you, Manojji. Thank you, Mr. Khan. Thank you, wonderful, beautiful dignitaries on the stage. Thank you. I'm sure this photograph that the lensmen are taking will be a permanent feature for our progeny as well. It's a documentation of a very nostalgic moment. Request all of you to kindly take your places with august audience. मुझे लगता है कि मैं कोई ख़ास व्यक्ति नहीं हूँ. मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर व्यक्ति मधुबाला जी की फ़ैन रह चुकी हैं और आज भी हैं. और इट्स अ स्पेशल ओकेजन क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट ने, पोस्टल सर्विसेज ने एक बहुत ही अहमियतगार चीज़ की है कि मधुबाला जी को उन्होंने एक लेजेंडरी स्थान दिया है उनके नाम से टिकट निकाल कर. क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कम फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं जो टिकट रूप से हमारे साथ हैं आज. और एक ये भी बात है कि टिकट आपके नाम से होने के लिए आप ज़िंदा नहीं हो सकते. तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे ज़िंदगी का सफ़र हमने ऐसा करना चाहिए जो कि लोगों के लिए यादगार रहे, जब आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा. आप कितनी फिल्में आपने देखी? आप कितनी फिल्में देखी? काफ़ी सारी देखी.
कौन सी फेवरेट फिल्म? उधर से लोग, मेरे काफ़ी सारे गाने फेवरेट हैं मधुबाला जी के, क्योंकि मुझे लगता है उनका लिपसिंग बहुत खूबसूरत था और जब वो गाना गाती थी तो लगता था कि वो एक लिरिकल डायलॉग बोल रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको याद है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया है। क्या कभी आपने सुना ली उनको इमिटेट करने की कोशिश की है, उनकी तरह एक्टिंग करने की या मुस्कुराने की कभी कोशिश की है, उनको कॉपी करने की? मुझे नहीं लगता, इतनी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मैं लायक मानती हूँ अपने आप को। वो बहुत ही मुझे लगता है सबसे खूबसूरत दुनिया की लड़की है जिसको हमने इतनी सादगी के साथ और ग्रेस के साथ स्क्रीन पे देखा था। थैंक यू।